like, no, please. So? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good day. All right. Good afternoon. How much are you excited for this 19th edition of IPA? 19th, I have been excited since the first edition. So, ये 19th हो या 119th हो, मेरी excitement वही होने वाली है. फर्क ये है कि 109th मैं जिंदा नहीं रहूँगा. पर यस आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. आईफा इज़ एन इवेंट जहाँ पर एक तो ये वोटिंग का प्रोसेस इट्स एब्सोल्युटली डेमोक्रेटिक और जो हमें लगता है हम वो नॉमिनीज़ को हमारे हिसाब से वोट करते हैं फिर ऑब्वियसली उनसे नॉमिनीज़ चुनते हैं फिर वो जीतते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस व्हाट मेक्स आईफा स्पेशल इज़ द वीकेंड जहाँ पर पूरी इंडस्ट्री इकट्ठा होती है. And rarely do you get to meet everyone together over the weekend. यानी आपके actors भी है, directors भी है, co-stars भी है, technicians भी है, जिनके साथ आपने काम किया वो है, जिनके साथ आपने कभी काम नहीं किया वो भी है. तो lunch, breakfast, dinner आप मिलते रहते हो, फिर कहीं घूम रहे हो तो वहाँ मिलते हैं. So apart from obviously the main events, चाहे IFA Rocks हो, चाहे वो आईफा का मेन इवेंट हो, काफ़ी सारे सोशल कॉजेज के साथ आईफा जुड़ी है वो हो, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आईफा ने हमेशा यू नो इंडियन सिनेमा को बाहर ले जाने की कोशिश की है, कल्चर को बाहर ले जाए, ना ही सिनेमा बाकी कल्चर, ना ही कि इंडियन कल्चर, बट वहाँ का कल्चर भी कैसे इंटीग्रेट हो सकता है शो में, वो हर बार उन्होंने किया एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग. आपने क्या सवाल मेरे जवाब पे बनाया? नहीं, मैं शॉर्ट फिल्मों की बात कर रहा हूँ. हाँ, लेकिन वो वीकेंड पे आ गया ना, तो मैंने बोल दिया. तो शॉर्ट फिल्म आई थिंक क्या है कि जैसे डिजिटल मीडियम जो अभी इतना बढ़ रहा है और शॉर्ट फिल्म्स हो, वेब सीरीज़ हो, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, आई थिंक वी नीड टू एम्ब्रेस इट एंड वेलकम इट एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर्स, एज प्रोड्यूसर्स. और मुझे लगता है कि आईफा ने भी इन्हें एम्ब्रेस किया है और जो जो नई चीज़ें आती हैं उसे आईफा हमेशा एम्ब्रेस करता है एंड इट्स क्वाइट एक्साइटिंग. इस साल भी आप होस्ट कर रहे हैं? इस साल मैं होस्ट कर रहा हूँ. होस्ट कर रहे हैं आप या आप परफॉर्म करने वाले? आपको अगर पता चले तो कुछ बता देना. वैसे मैंने डेज अपने फ्री रखे हैं तो आई एम फ्री टू डू एनीथिंग. आईफा का अब तक का बेस्ट होस्ट आई थिंक इट्स बमन एंड मी. Yeah. और आपकी पिक्चर भी आ रही है हाउसफुल फोर, जो पहली बार इंडियन सिनेमा में हम 3D में दिखाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे जो नया कॉन्सेप्ट आ रहे हैं कॉमेडी को 3D में दिखाने के लिए और नए लोग भी जुड़े हैं स्टार कास्ट में, उन्होंने सुना? क्या है कि हाउसफुल फोर के बारे में जो भी बताना है, मुझे लगता है कि चाहे तो प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला या डायरेक्टर साजिद खान बोले तो बेहतर होगा कि क्या क्या होने वाला है. काफ़ी सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है, नई चीज़ें हो रही है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड. पिक्चरों की बात करें तो मराठी पिक्चर भी आज के सहरा जैसी पिक्चरें हम जो 100 करोड़ हमारी काफ़ी प्रेज मिलता है, तो लगता है कि आईफा मराठी भी होना चाहिए जहाँ एक्टर और डायरेक्टर को भी अवार्ड दिया जाए आईफा? नहीं, आई थिंक आईफा ने एक पहल की थी जहाँ पर रीजनल सिनेमा को वो सेलिब्रेट करते हैं एंड आई एम श्योर दैट क्या होता है कि विद टाइम आई एम श्योर दे विल एम्ब्रेस रीजनल सिनेमाज टू अ लार्जर एक्सटेंट. आई थिंक आईफा हैज़ बीन अ प्लेटफॉर्म वेर दे आर ओपन टू एवरी थिंग, सो आई एम श्योर दे विल लुक एट इट. वो ये वोटिंग बता नहीं सकते. बहुत सारी फिल्में मुझे पसंद आई,
मैं बता नहीं सकता, आपको पता चल दो जाएगा, तीन पिक्चर तो बता दीजिए। दो तीन भी नहीं बता सकता। लेकिन जो आपके लुक है वो कोई हॉस्पिटल शो के लिए है ये कि ऐसे ही? अनु आम एक्चुअली ये लुक मैं भी एक मराठी फिल्म शुरू कर रहा हूँ उसके लिए। यस प्रॉब्लमैटिक इन इंडस्ट्री नो आई थिंक द फैक्ट दैट वी एम्ब्रेसिंग न्यूअर टैलेंट न्यूअर स्टोरी टेलिंग न्यू थिंग्स। और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा एक वर्ड है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिसरप्शन और आ चुका है फॉर्मेट्स में। तो हम 3 घंटे की फिल्म थी, अभी हम लोग सोचते हैं कि दो घंटे की फिल्म बनाओ तो अच्छा रहेगा। सो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम शॉर्टनिंग आर लेंथ स्क्रीन्स भी छोटे होते जा रहे हैं टीवी के लिए, फिर मोबाइल के लिए, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, वेब सीरीज़ हो। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू कम एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस थिंग्स, बी इट एक्टिंग, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, एडिटिंग। तो काफ़ी सारी एवेन्यूज खुल जाती है। सो आई थिंक वी नीड टू जस्ट मेक श्योर के इन सब चीज़ों के लिए क्या हम एक इकोसिस्टम बना सकते हैं जिनके वजह से वेयर अगर कोई सोचे कि मुझे एक डिजिटल फिल्म बनानी है जिससे सपोर्ट नहीं हो और अच्छी डिजिटल फिल्म बनाए तो क्या उसे प्लेटफॉर्म मिल सकता है कि बड़ा फिल्म मेकर उसे देख पाए और उधर से टैलेंट हम लोग चुन पाए। सो यस प्रॉब्ली वी कैन डेवलप दीज प्लेटफॉर्म्स। नो 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 हैप्पी प्रोड्यूसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस। डन सर हो गया कि तू तो मोबाइल वाला बोल रहा है, कुछ कैमरे पे खर्चा नहीं करना है, सब एक कैमरा लेके आया है। सर ट्रॉफी के सर रिक्वेस्ट ऑफ योर आपका ट्रॉफी के बाद हां यस यस I have to say that it's always wonderful to be traveling with IFA Awards and Viscraft because it's just amazing, you know, aap puri industry ko wahan pe mil sakte hain. Sabse zaruri cheez yahi hoti hai ki aapko ek mauka milta hai, aap hamesha sochte hain logo ko milne ke liye, and it's probably the only place where we can actually meet. It's like a potboiler of sorts, plus it's an amazing award show that you get to attend, and the grandeur of it is something that always amazes me. And it's just great. It's a fabulous weekend, and if I'm free, I always make it a point to get there. And even if I'm not, I always try and make time to go there. आप
मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं होती क्योंकि ये जो रेड कार्पेट ग्रीन कार्पेट सिचुएशन होती है मुझे बहुत नर्वस करती है. एक तो आप पूरा तैयार होके जाएं, एक महीना पहले सोचें कि क्या पहने, उसके बाद वो 3 सेकंड में कोई अजीब सी फोटो आ जाती है और पूरा बैंड बच जाता है. सो आई हैव टू से दैट आई लव क्लोथ्स, देयर इज नो शाइंग अवे फ्रॉम दैट. आई लव कम्फर्टेबल क्लोथ्स एंड आई ऑलवेज ट्राई बिटवीन द रेड कार्पेट एंड यू नो आईफा बहुत लंबा शो होता है तो वहाँ पे भी आपको यू हैव टू मिक्स योर सेंसिबिलिटी बिटवीन फैशन एंड कम्फर्ट बिकॉज यू हैव टू सिट देयर फॉर 6-7 आवर्स. कपड़ों के मामले में मैं एक्साइटेड नहीं हूँ. अवार्ड शो अटेंड करने में, एंटरटेनमेंट के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लस इंडस्ट्री को मिलने का मौका मिलता है, सो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस. बेस्ट फिल्म ऑफ 2018, सर अभी खत्म कहाँ हुआ है 2018? 17, अच्छा. I was like, 70s, this is a quiz going on or what? If you're asking me which is the best film of 2018, it's a tough one to say because the year's not over. But last year in 2017, and I have to say, I saw some amazing films like Newton, Hindi Medium, Secret Superstar. I love Secret Superstar. And of course, not at all because I was in the film, Tumhari Sullu. When was the best actor performing in 2017? Actor-wise, I have to say that Rajkumar Rao for Newton was my favorite male performance, and my favorite female performance was Vidya Balan in Tumhari Sollo. Ma'am, aap aur saas industry mein hai, so you know how the ways are done here. And we said ki Bollywood has come up with couch casting. Okay. All right. My interview is over. Thank you very much. Yeah. Questions like these make it so easy to do. Thank you. Yeah, ji, bhai. This is, yes, ye dusri dafa hai, second year. So excited for second year also. Sorry? Excited. Bahut excited hu. IFA ke liye hamesha excitement hoti hai because I think it's one of the biggest celebrations of Indian film industry, Bollywood. And अच्छा लगता है जब you know पूरी industry साथ में होती है, celebrate करती है और एक ही roof के अंडर होती है तो बहुत अच्छा लगता है. मुझे ज़्यादा फिल्में नहीं देख पाया बट जो फिल्में देखी उनमें से बरेली की बर्फी बहुत अच्छी लगी थी, सीक्रेट सुपरस्टार बहुत अच्छी लगी थी, तुम्हारी चुल्लू बहुत अच्छी लगी थी. तो यार रियली कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस फिल्म्स. ये फिल्में अच्छी लगी हैं तो इनके डायरेक्टर आई थिंक इन तीन फिल्मों मैं चूज़ नहीं कर पाऊंगा बट हाँ ये तीन फिल्में मैं कहूँगा. बेस्ट होस्ट फॉर एवर इज़ आई थिंक करण जौहर. वो बहुत ही कमाल के होस्ट हैं और आई थिंक या एवरी ईयर मेरा आई थिंक वही आंसर होने वाला है. काफी फेवरेट हो गए आप करण जौहर के बैक टू बैक उनके प्रोडक्शन की फिल्में राजी नेक्स्ट वीक की अभी एक वेब सीरीज आ रही है. वो फिल्म है वेब सीरीज में तो काफी वो करण सिद्धार्थ और वरुण के स्लॉट में आ गए आप करण जौहर के प्रोडक्शन. अब ये मैं तो नहीं कह सकता. आई थिंक करण वुड बी इन अ बेटर पोजीशन कि वो बता सकते हैं कि मैं किस स्लॉट में आया हूँ. पर अच्छा लगता है यू नो कि ऐसे लोगों के साथ काम करने में अच्छा लगता है. और ऐसे ये कुछ लोग हैं जो यू नो इट्स ऑलवेज योर ड्रीम कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करें, उनके साथ काम करें. तो फाइनली आपको जब वो मौका मिलता है कि वो आपको मौका दे रहे हैं कि यू नो कि एक और स्पेशली अच्छी फिल्मों में जैसे राजी है और ये, तो उसमें आपको अच्छा लगता है कि यार थोड़ा आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यू नो अच्छे फिल्म मेकर्स आपको मौका दे रहे हैं तो अच्छा लग रहा है. फिंगर्स क्रॉस्ड सब टच वुड करते हैं. मैं तो वुड पे बैठा रहता हूँ कि भैया आज ये साल अच्छा जाए. सो या फिंगर्स कीपिंग माय फिंगर्स रियली क्रॉस्ड. या आईफा से रिलेटेड मैं वही कह रहा था कि आईफा से रिलेटेड मेरी सबसे प्यारी मेमोरी तो वही रहेगी हमेशा जब मुझे डेब्यू अवार्ड मिला मसान के लिए 2016 में. बहुत स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए
एंड यू नो आप हर साल एज एन ऑडियंस उस साल से पहले तक मैं एज एन ऑडियंस घर पे बैठ के टीवी पे देखता था इस साल कौन जीतेगा, इस साल कौन जीत रहा है. एंड पता नहीं था कि अगले साल मैं जाके एक अवार्ड लेकर आऊँगा. सो जब मुझे वो अवार्ड मिला, सो दैट विल ऑलवेज बी माई मोस्ट स्पेशल मेमोरी ऑफ आईफा. दिस ईयर नहीं, क्योंकि पिछले साल तो मैं शूटिंग ही करता रहा, तो इस साल मेरी कोई फिल्म नहीं आ पाई थी. सो इस साल मैं बॉलीवुड के लिए और मेरे फेवरेट्स के लिए मैं हूट करने जा रहा हूँ, चीयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह अगले साल. मनमर्जियाँ शूट फिनिश हो चुकी है. दो महीने हमारे लगातार शूट चल रही थी, अमृतसर में और कश्मीर में कुछ दिन शूट हुई. एंड वी आर थ्रू, फिल्म एडिट हो रही है एंड 7 सितंबर रिलीज. हाँ जी, वी एज अ टीम वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी. हम बहुत बहुत इट्स अमेजिंग रिस्पॉन्स. लाइक इन अ डे वी गॉट सम 30 million हिट्स फॉर द टीजर ओनली एंड इट वॉज ट्रेंडिंग टिल टूडे. इट्स ट्रेंडिंग इन इंडिया, US एंड आई डोंट नो कपल ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो. सो बहुत अच्छा लगता है सुन के. और येस्टरडे ओनली आई मीन आई वॉज विद राजू सर, सो एक कुछ डबिंग का पोर्शन बचा था. एंड एक्सट्रीमली हैप्पी एनर्जी कि हम एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है. इट्स अ वेरी स्पेशल स्टोरी ऑफ अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन. सो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड. हाँ नहीं, मैं अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकता उस बारे में, पर धीरे धीरे अभी उसका ट्रेलर भी आएगा, उसमें आप बाकी कास्ट को भी देखोगे. धीरे धीरे पत्ते खुलेंगे और तब सही समय पर सही बातें करेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सी यू गाइस. थैंक यू. अच्छा जी, thank you.